प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन दे विच एक बार फिर आप सब का स्वागत है। नेक्स्ट अपना 8th क्लास का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव आज हम डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीवों को बेसिकली चार श्रेणियों के वंडिया गया है। केड़िया चार श्रेणियां हैं? फर्स्ट हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, सैकेंड फंजाई, थर्ड एलगी, चौथे प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवाणु कुल चार श्रेणियों के वंडिया है। पहला है जीवाणु, नैक्सट फंजाई, थर्ड एलगी एंड फोर्थ प्रोटोजोआ। हुण स्टैप बाय स्टैप एक एक बारे तुहानू दसदा। जीवाणु या बैक्टीरिया की हैं? जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो, सिंगल सैल ऑर्गेनिजम ने, प्रोकैरियोट्स ने। इन्हां दीआं कई शेप्स ने, शेप्स के अकॉर्डिंग किवें डिवाइड किया गया वह मैं तुहानू बाद च दसूंगा। सिंगल सैल ने, प्रोकैरियोट ने, एक कई तरह के वक् वक् जलवायु हालातों के रहिंदे हन। धरती ते भी मिलते हैं, पानी च भी मिलते हैं, बहुत ठंडे क्लाइमेट च भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट च भी मिलते हैं, ईवन एसिडिक मीडियम के भी मिलते हैं। हुण बैक्टीरिया की शेप के अनुसार बेसिकली इन्हों चार श्रेणियों के वंडिया गया है। फस्ट है बैसिलाई, सैकेंड कॉक्साई, थर्ड स्पाइरिलम एंड फोर्थ विब्रियो। यह है इन्हों की वंड शेप के अकॉर्डिंग। बैसिलाई, बैसिलाई की शेप होंगी है रॉड लाइक। आप डायग्राम के देख रहे हो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगी है। जेडे जीवाणुओं की शेप रॉड लाइक होगी वह बैसिलाई श्रेणी आते हैं। नैक्स है कॉक्साई, सर्कुलर या स्पैरिकल शेप जेकर होगी ता ओ बैक्टीरिया कॉक्साई चाहोंगे। नेक्स्ट है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम मीन्स स्पाइरल वर्गे, स्प्रिंग वर्गी स्ट्रक्चर होगी तो स्पाइरिलम श्रेणी चाहोंगे। फोर्थ है विब्रियो, विब्रियो मीन्स कौमा, तुसी हिंदी दे विच या इंग्लिश दे विच कौमा बनाने हो। कौमे की जेकर शेप होगी तो वह जीवाणु जिहड़े हन वह विब्रियो श्रेणी चाहोंगे। तो यह सी जीवाणुओं के बारे। नैक्सट है सूखम जीवों का जी दूजी मेन श्रेणी है बैक्टीरिया तो बाद या जीवाणुओं तो बाद, वो है फंजाई। हुण फंजाई की होंगे? सब तो पहली गल, प्लांट्स वर्गे होंगे, प्लांट्स वर्गे, लुक लाइक प्लांट्स। सैकेंड थिंग, नॉन ग्रीन, हरे नहीं होंगे। इन्हां दे विच कोई भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम या रूट वर्गा कुछ नहीं होंदा। नॉन ग्रीन हन, हैट्रोट्रॉपिक हन, हैट्रोट्रॉपिक मीन्स ये किसी दूसरे दे उत्ते डिपेंडेंट होंगे अपनी ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल मशरूम हो गया, या तुसीं घर दे विच ब्रैड होंदी है, ब्रैड दे विच उपर कई बार ग्रीन कलर का या वाइट कलर का हो जाता, दैट इज ब्रैड मोल्ड, वह भी फंजाई की श्रेणी आता है। प्लांट लाइक हन बट नॉट प्लांट्स, इन्हां दे विच लीफ या स्टेम या रूट नहीं होंदी। नॉन ग्रीन होंदे हन, हरे नहीं होंदे। तां सूखम जीव दे विच पहली श्रेणी जीवाणु, सैकेंड फंजाई। हुण थर्ड गल करते हैं एलगी। एलगी की हन? हुण जिवें कि फंजाई च पढ़िया सी इह नॉन ग्रीन हन, एलगी दे विच अ लिटल बिट डिफरेंट, ग्रीन होंदे हन, रंग दे विच हरे होंदे हन। दैट्स बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन्हां दे विच हुंदा है, मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इन्हां दे विच भी लीफ या स्टेम या रूट या फ्लावर्स ऐसा कुछ नहीं होंदा, बट कलर दे विच ग्रीन हन, क्लोरोफिल हन, क्लोरोफिल इन्हां दे विच है। एक्वेटिक प्लांट्स हुंदे हन, मतलब जली पौधे हन, विदाउट स्टेम, लीफ और फ्लावर्स। एग्जाम्पल स्पाइर वगैरा। हुण सूखम जीवां दीआं तीन श्रेणियां आपां कर लईआं, जीवाणु, फंजाई, एलगी। हुण आपां गल करदे हां चौथी श्रेणी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की हुंदे हन? प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो, एक कोशिकी यूनीसैलुलर ऑर्गेनिज्म ने, ज्यादातर एक्वैटिक, जली, सिंगल भी मिलते हैं ते कॉलोनी दे विच भी रहिंदे हन, मीन्स ये सिंगल भी पाए जाते हैं तो बहुत सारी इकट्ठिया की कॉलोनी भी मिलती है। मोस्टली यह पैरासाइट होंगे, पैरासाइट मीन्स अदर किसी ऑर्गेनिजम के उपर यह रहेंगे, उतों अपना पोषण लैणगे।
एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। हम प्लाज्मोडियम की गल करिए, मलेरिया, मलेरिया जिहड़ा है वह इसे प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। वाहक कौन हुंदा है? एनोफिलीज, मच्छर। हुण आता सी सूखम जीवां दीआं चार श्रेणियां। इस तों अलावा एक करैक्टर होर है, दैट इज वायरस। वायरस की हुंदा है प्यारे विद्यार्थियो? जेकर अज असीं घरां दे विच बैठे हाँ, दैट्स बिकॉज ऑफ, उहदा रीजन की है? उहदा रीजन है कोरोना वायरस। हुण वायरस की हन? एग्जाम्पल इहदा आ गया लेटेस्ट अज दी डेट च कोरोना वायरस। प्यारे विद्यार्थियो, वायरस जड़े हैं उन्हां नूं लिविंग ते नॉन लिविंग दे विच दी योजक कड़ी भी कहा जाता है। दूसरी गल, इन्हां नूं तुसी क्रिस्टलाइन फॉर्म दे विच भी रख सकते हो, जिवें घरां दे विच क्रिस्टल्स नहीं देखते तुसी नमक दे खंड दे, उस तरह वायरसिस नूं भी एज ए क्रिस्टल फॉर्म रखा जा सकता है। नॉन सैलुलर स्ट्रक्चर हुंदी है इन्हां दी। ते मोस्ट इंपॉर्टेंट गल, वायरस हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म दे अंदर जाके रिप्रोड्यूस करूगा। हुण गल करदे हां कोरोना वायरस दी। कोरोना वायरस दा वायरस जेकर बाहर किते है, उसनों जद तक ह्यूमन बॉडी नहीं मिलूगी, वो अगे रिप्रोड्यूस नहीं करूगा। इसे करके सानू कहा जांदा है वी असी लॉकडाउन च रहिए, असी बाहर ना निकलिए, तां जो वो वायरस साडी बॉडी दे विच एंटर ना कर सके, रिप्रोड्यूस ना कर सके, अपना वाधा ना कर सके, क्योंकि उसनों उसकी जरूरत है। जेकर असी बाहर नहीं निकलांगे तो उसनों वो बॉडी नहीं मिलनी जिदे चो रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये सी वायरसिस दे बारे। हुण गल करदे हां सूखम जीवां दे उपयोग की हन। बहुत सारे उपयोग है। कमर्शियली एलकोहल इंडस्ट्री दे विच इन्हां दा यूज किया जाता है, विनेगर या सिरका इंडस्ट्री किया जाता है शराब बनाउणा। हुण घरां दे विच इक होर चीज़ है, दैट इज दही। दही तुसी रोज खाने हो, दही भी सूखम जीवां तों बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है। हुण अगर वह बैसिलस है तो मीनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी कि दही बनाउण वाले बैक्टीरिया। हुण गल करदे हां, नाल ही तुसी पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करन वाले राइजोबियम दी। लेग्यूमिनेसी फैमिली मतलब दालां नाल जुड़ियां होईयां जिन्नियां भी फसलां ने उन्हां दीआं जड़ां दे विच गंढां पाईआं जांदीआं, जिन्हां दे विच राइजोबियम एंजाइम हुंदा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करदा है एटमोसफीयर च। हुण नुकसान की हन? सूखम जीवां दे नुकसान की हन? नुकसान हन, सब तो मेन नुकसान साडे भोजन नूं कंटैमिनेट करदा है, खराब करदे हन सूखम जीव। उस तों बचण दे हुण की तरीके हन, किस तरह असीं अपने भोजन नूं खराब होण तों बचा सकते हाँ? सब तो पहला तरीका है डीहाइड्रेशन, मीनस असीं अपने भोजन नूं ड्राई करके सुका के उन्हें यूज करिए। सैकेंड है जमाउणा, मीनस बहुत घट टैंपरेचर ते उस भोजन पदार्थ नूं जमा दिता जाए। थर्ड है पॉश्चरीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉश्चरीकरण की हुंदा है? दुध का पॉश्चरीकरण किया जाता है, पहला उन्हें 70-80 डिग्री ते 15-20-30 सैकेंड लई गर्म किया जाता है, फिर इमीजिएटली उन्हें ठंडा कर दिता जाता है, इहनूं कहिंदे आ पॉश्चरीकरण। प्रिजर्वेशन, अपने घरां दे विच आम तौर ते प्रिजर्वेशन की जाती है, वह प्रिजर्व करना की हुंदा है? किसी भोजन नूं बचा के रखना सूखम जीवां तों, उसनूं किवें बचाया जांदा है? सब तो वधिया तरीका करे साडे असीं अचार जिहड़ा बनाउंदे हां, अचार दे विच असीं नमक भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सरों का तेल भी यूज करते हैं, तां जो सूखम जीवां दे संपर्क दे विच ना आ सकन। तां इह सी कुछ तरीके जिहदे नाल असीं जिहड़े सूखम जीव साडे भोजन नूं खराब करते हैं उसनूं असीं किस तरह बचा सकते हां। तां इह सी अपना अज दा टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।